We will see the fourth problem, merge two sorted list. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे दो लिस्ट दिया हुआ है जो कि दोनों सॉर्टेड है पहले से, और दोनों लिस्ट को मर्ज कर देना है. मीन्स फिर से एक नया लिस्ट जो बनाना है, जो इस दोनों लिस्ट को मिलने से बनना चाहिए. जैसे वन है, फिर इसका वन आ गया, ऐसे जुड़ेगा. फिर ये इससे जुड़ा, फिर टू थ्री से जुड़ा. जो हमको एक मर्ज करके एक नया सॉर्टेड लिस्ट हमको बनाना है ये दोनों लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए. तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है. तो चलिए करेंगे कैसे. तो सबसे पहले इस दोनों में से हेड कौन होगा मुझे ये पता करना होगा, क्योंकि मानिए ये थ्री रहता तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग कौन होता, ये होता. अगर मानिए ये जीरो रहता तो मेरा स्टार्टिंग ये रहता. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेड पता कर लेंगे, उसके बाद जो दोनों में से बड़ा होगा उसको लेते जाएंगे. जैसे यहाँ पे इसको लिए, इसके बाद इसमें और इसमें कंपेरिजन होगा. तो इसके बाद छोटा ये है तो इसके बाद ये ले लिए. अब इसमें और इसमें कंपेरिजन होगा, छोटा ये है तो ये ले लिए. अब इसमें और इसमें होगा कंपेरिजन तो इसके बाद ये ले लिए. उसके बाद फोर में तो कोई एक ले सकते हैं, ये ले लिए, लास्ट में ये ले लिए. एक ऐसा भी समय हो सकता है जब एक खाली हो जाए, दूसरा अभी खाली ही नहीं हुआ. जैसे ये 3, 4, 5 हम ये ले लिए. अब ये लिस्ट खाली हो गया तो हम डायरेक्ट ये लिस्ट अब डायरेक्ट डाल सकते हैं इसके साथ. डायरेक्ट हम इसको पॉइंट कर देंगे क्योंकि एक लिस्ट ख़त्म हो गया. तो चलिए कोड पे चलते हैं. जूम कर देते हैं. यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है L1 एंड L2. तो सबसे पहले एक हेड बना लेते हैं जो मेरा स्टार्टिंग होगा. तो हेड नाम से बना लिए. इनिशियली क्या करते हैं, वैसे हमको कंडीशन चेक करके देखना होगा ये खाली है कि नहीं. अगर दोनों एम्प्टी नहीं है तो कौन असाइन करें. इससे अच्छा है जी हम लोग एक नया नोट बना लेते हैं जिसका कोई काम नहीं होगा, बाद में हम उसके नेक्स्ट को रिटर्न कर देंगे. तो ये एम्प्टी नोड बना लेते हैं एक, इसका वैल्यू मानिए दे देते हैं 0. उसके बाद हेड तो हो गया. अब एक पॉइंटर ले लेते हैं करंट, जिसे हम ट्रैवर्स करेंगे लिंक्ड लिस्ट में. दोनों को चेक करते जाएंगे और मेरा करंट बढ़ते जाएगा जो आगे कहाँ तक पहुँचे हैं. तो उसके लिए हम हेड के बराबर कर लेते हैं उसको. अब चलते हैं दोनों लिस्ट में, जब तक L1 नल नहीं हो एंड L2 भी नल नहीं हो तो ही कंपेरिजन करेंगे ना. जब दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों होगा तब. तो अब चेक करेंगे जो किसका वैल्यू कम है. तो चेक कर लेते हैं, अगर L1 का वैल्यू लेस देन हो या इक्वल टू हो L2 के वैल्यू से, तो हम लोग करंट के नेक्स्ट में किसको डालेंगे. जैसे मेरा करंट अभी क्या है, जैसे यहाँ पे है, तो मेरा एक नया नोड है जिसका वैल्यू 0 है. तो वो यहाँ पे दो लिस्ट है, यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी एक लिस्ट है. तो करंट मेरा यहाँ है तो हम इसमें और इसमें चेक किए. तो मानिए छोटा ये हुआ तो इसके नेक्स्ट में ये होगा. तो वही कर रहे हैं, करंट के नेक्स्ट में क्या होगा, L1 हो जाएगा क्योंकि L1 छोटा है. अब उसके बाद L1 को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि अब इससे ये चेक हो गया. तो अब इसका और इसका चेक होगा. तो L1 इसको आगे रख दिए तो L1 को वहां पे डाल देंगे. तो L1 को आगे बढ़ा दिए और उसी तरह else part में क्या होगा, करेंट का नेक्स्ट L2 को जाएगा और L2 को आगे बढ़ा देंगे. अगर ये होगा या तो वो होगा, आगे बढ़ा दिए. अब करेंट यहाँ था, अब करेंट कहाँ चल जाएगा, करेंट भी तो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि मानिए ये हो गया, ये छोटा था तो ये L1 यहाँ बढ़ गया, मगर करेंट का पोजिशन कहाँ चला गया, यहाँ. तो L1 को अब आगे बढ़ा देंगे. अब क्या होगा, अब
करेंट को भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो करेंट को आगे बढ़ा दिए। अब हो गया, अब तो या तो ये खाली हो जाएगा या ये खाली होगा, कोई भी खाली हो जाएगा, मतलब एम्प्टी लास्ट तक चले जाएंगे तो कोई एक बचेगा। तो मानिए जे L1 नहीं खत्म हुआ है, L1 इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम डायरेक्ट करंट के नेक्स्ट में वो L1 को डाल दिए। क्या कि अगर मानिए ये खत्म हो गया और ये पॉइंटर यहीं तक हो गया, तो ये डायरेक्ट जोड़ दे, ये डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे, मतलब ये L1 के लिए यहाँ हो जाएगा। L1 मानिए ये खाली हो गया, L1 यहीं तक है, तो जो भी बचा होगा उसको डायरेक्ट इसके लास्ट से जोड़ देंगे, ताकि पूरे ट्रेवर्स क्यों करने जाए। उसी तरह करंट के नेक्स्ट में डाल दिए, उसी तरह इफ L1 L2 नल नहीं है तो करंट के नेक्स्ट में L2 डाल दिए। अब रिटर्न कर देते हैं हेड का नेक्स्ट, क्योंकि हेड तो एक ये नोट कोई किसी हमारे खुद का बनाया हुआ था, तो ये नोट नहीं, मुझे तो पहला इंडेक्स रिटर्न करना है ना, तो उसी तरह हेड मेरा ये था उसके आगे का। चलिए रन करके देखते हैं, कंपाइलेशन एरर, ओके यहाँ पे ये नोड नहीं है, ये लिस्ट नोड है। अच्छा ये रन हो गया, अब सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्टेड। आई होप इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके थैंक यू, बाय।